हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड हैप्पी तीज। आज तीज है सो हम अभी सुबह सुबह मंदिर जा रहे हैं, तो चलो मंदिर जाते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। करने के पहले जो मैंने पसारा करके रखा है वो पूरा निपटाऊंगी और फिर दूसरा चेंज करूंगी। मम्मी जी ने सिंजारा में मुझे जो साड़ी दी थी वो अब मैं पहनने वाली हूँ। और अब मम्मी जी हमें तीज का प्रणाम करने के लिए सबके घर पे लेके जा रहे हैं। वहां से आने के बाद हम पूजा के लिए रेडी होंगे जो शाम को है। शाम को मैं चुनरी का घाघरा पहन के पूजा करने वाली हूँ। अभी हम लोग जा रहे हैं पूजा करने, मैं, मम्मी और भाभी। हम तीज की पूजा हमारे घर पे नहीं करते हैं, हमारे बाजू में जो आंटी रहते हैं उन्होंने बहुत सुंदर सी पूजा मांडी है उनके घर पे, तो हम उन्हीं के घर पे पूजा करने वाले हैं आज। छोटी तीज को हरियाली तीज कहते हैं और इस तीज मतलब बड़ी तीज को कजली तीज भी कहते हैं। तीज माता की पूजा करने के लिए मिट्टी या गोबर से दीवाल के सहारे छोटा सा तालाब बनाया जाता है। हम ये पूजा घर में कर रहे हैं तो तालाब जमीन पर ना बना के आंटी जी ने ये तालाब परात में बनाया था और नीम के पेड़ की टहनी को उस पर रोप दिया जाता है और मिट्टी या गोबर से जो तालाब बनाया जाता है उसे बहुत ही सुंदर तरीके से फूलों से और दियों से सजाया जाता है। पूजा में नीम के पेड़ का बहुत ज़्यादा महत्व है। ये पूजा दो लोग को साथ में करनी होती है तो मैं और भाभी ये पूजा कर रहे थे। पूजा के लिए जो तालाब बनाते हैं उसमें कच्चा दूध और पानी मिलाते हैं और दिया जलाते हैं बाजू में और फिर तीज माता शिव जी और निमड़ी माता की पूजा की जाती है। पूजा चालू करते वक्त सबसे पहले निमड़ी माता को पानी का छीटा दिया जाता है और फिर कुमकुम का और चावल चढ़ाया जाता है। इसके बाद दीवार पर कुमकुम, हल्दी, काजल और मेहंदी से 16-16 बिंदियां लगाई जाती है। ये होने के बाद उनके कपड़े चढ़ाए जाते हैं और फूल चढ़ाया जाता है। तीज माता को सुहाग के लिए बिंदी, काजल, मेहंदी और कुमकुम चढ़ाया जाता है। इसके अलावा सत्तू और दक्षिणा चढ़ाई जाती है। तीज की पूजा में सत्तू का बहुत ज्यादा महत्व है। सत्तू तीज माता को भोग लगाने के लिए मिठाई के तौर पर बनाया जाता है। सत्तू कई ग्रेन्स से बनाया जाता है जैसे कि चना, गेहूं या फिर चावल। इन्हें रोस्ट करने के बाद पाउडर फॉर्म में लाया जाता है, उसे सत्तू कहते हैं। सत्तू बनाते वक्त इसमें घी और इलायची डाली जाती है और हम चाहे तो मिश्री, ड्राई फ्रूट्स या गूंद भी डाल सकते हैं। श्रावण में बहुत लोग हरी सब्जियां नहीं खाते हैं जिसमें आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ये एक रीज़न है कि श्रावण में सत्तू बनाया जाता है। सत्तू में भरपूर मात्रा में आयरन और फाइबर होता है। हमें आगे बढ़ते हुए हमने जो तालाब बनाया है उसमें ककड़ी, नींबू, मोती की लड़, सत्तू, निमड़ी माता, इन सब की परछाई देखी जाती है और बोला जाता है तलाई में नींबू दिखे और दिखे जैसे ही टूटे। अब लो सत्तू, तेरा सत्तू भी ले तू, है ना? नाडियों में सत्तू दिखियो, नाडियों में सत्तू दिखियो, नाडियों में सत्तू दिखियो, नाडियों में सत्तू दिखियो, नाडियों में सत्तू दिखियो। मोती नाडियों में मोती दिखियो, नाडियों में मोती दिखियो, नाडियों में मोती दिखियो, नाडियों में मोती दिखियो, नाडियों में मोती दिखियो। अब अपने को चुंदड़ी देखना, दिया दिख रहा है दोनों को? नाड़ी
नाड़ियों में दियो दिखियो क्यों दिखियो नाड़ियों में दियो दिखियो दिखियो नाड़ियों में दियो दिखियो अपने को देखना चुंदड़ी पल्ला एक का पल्ला ले लो नाड़ियों में दिखी नाड़ियों में कसुम्बल दिखियो 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 इसके बाद कथा और गीत गाए जाते हैं और पूजा समाप्त होती है और फिर रात को चंद्रमा देखने के बाद उन्हें जल चढ़ाया जाता है और चंद्रमा की पूजा की जाती है और सत्तू का प्रसाद दिया जाता है। ये है हम सब का सत्तू। तो रात हो चुकी थी और हम टेरेस पे आ चुके थे और सब चंद्रमा का वेट कर रहे थे। हमारा वेट खत्म हो चुका था और चंद्रमा आ गए थे। फिर हमने चंद्रमा की पूजा की। चंद्रमा को कीकू और चावल का छीटा देने के बाद हाथ में सत्तू लेके जल चढ़ाया जाता है। तीज का व्रत और पूजा पहली बार की है। चंद्रमा को प्रदक्षिणा देते हुए सत्तू चढ़ाने के बाद हमारी पूजा समाप्त हो चुकी थी। चंद्रमा की पूजा होने के बाद जो हम सत्तू बनाते हैं उसको परासा जाता है, उसी सत्तू को खाके व्रत खोला जाता है। मम्मी जी ने मुझे बताया कि जो सत्तू को हम काटते हैं उसे काटना नहीं कहते, उसे परासना या बधारना कहते हैं। मेरा जो सत्तू था ये मेरे लिए परास रहे थे। सत्तू बधारने से पहले उस पे सीख रखी जाती है। सत्तू बनाते वक्त नारियल का गोटा उसके बीच में सजाया जाता है और सत्तू को बधारने के बाद उसे ऐसे हाथ से फोड़ा जाता है और फिर सत्तू को आंकड़े के पत्ते में लेके खाया जाता है। पैर को ऊपर करके उसमें से हाथ डाल के सत्तू को दूसरे हाथ में थोड़ा थोड़ा लिया जाता है 16 बार और फिर उसको प्रसाद के रूप में खाया जाता है और फेदड़ बनाया जाता है। फेदड़ दही दूध इलायची और शक्कर को मिला के बनाया जाता है और उसको पिया जाता है। सत्तू के साथ ककड़ी और हमें जो फ्रूट्स पसंद है वो भी खाए जाते हैं। तरीके से तीज का व्रत खोलते हैं। तो ऐसी थी मेरी पहली तीज। अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो प्लीज माफ कर देना। ऐसे हमने हमारी तीज सेलिब्रेट की है। सो आई होप यू ऑल विल लाइक इट। So if you like it, please do like the video, share the video and subscribe to my channel. Thank you.